आपने हिंदी की है पार्ट पांच चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इसका पार्ट एक ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम चिट्ठियों के बारे में हम अपना कोई भी संदेश भेजते हैं तो हम चिट्ठियों के माध्यम से भेजते थे पहले, लेकिन आज तो बहुत सारे लेटर्स आता है, मोबाइल हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, लेकिन पहले जमाने में पत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो उसी के बारे में लिखा है, पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवादों और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। अब क्या बताए, पत्रों की जो दुनिया है वो बहुत ही अजीबो गरीब होती है और उसकी उपयोगिता इम्पोर्टेंस भी बहुत है हमारे जीवन में, कि पत्र जो काम करते हैं वो फोन या मोबाइल नहीं कर सकते, SMS नहीं कर सकता। कि पत्र के पढ़ने से हमें जितना सेटिस्फेक्शन होता है उतना सेटिस्फेक्शन हमें फोन से या SMS से नहीं होता। और पत्र का सिलसिला जैसे राजनीति है, व्यापारिक है और साहित्य कला, इस सब में भी पत्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और पत्रों का जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होते हैं। पत्र जो है उसको साहित्य जो है पूरा सारा इस पत्र के ऊपर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम जाबू होने तथा तमिल में कड़ी कहा जाता है। कि मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की बहुत ही अनूठी यानी अनोखी भूमिका है। पत्रों का जो भाव होता है वो सब जगह एक जैसा होता है, लेकिन हालांकि उसके हर जगह नाम अलग अलग होते हैं। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम जाबू और टेप कहते हैं और तमिल में इसको कागज नाम से कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पत्र जो है हमारे यादों को सहेज कर यानी संभाल कर रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर एक की अपनी लेखन कला है और हर एक पत्र के अपना एक दायरा, हर एक पत्र की अपनी लेखन की कला होती है और एक अपना दायरा यानी सीमा होती है। दुनिया भर के रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। मतलब हमारे भारत में ही रोज के रोज दिल्ली में करीब 4.5 करोड़ चिट्ठियां जो है वो डाक में पोस्ट ऑफिस में डाली जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पत्रों की कितनी अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही लिखा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हथकर यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए पर रेल और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से रमात पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और रडार दुनिया बदल रहा है। जवाहरलाल नेहरू के कहने लगे कि पहले जो संचार के साधन थे वो रनर्स या तेज घोड़े हरकारे होते थे और इसके बाद वही आए ट्रेन की गाड़ियाँ बनी, लेकिन रेडियो और तार से क्या वो हमारे संचार के साधन भारी बदलाव आया और पत्रों का सिलसिला शुरू हो गया। अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार ये आगे और भी दुनिया को बदल देने में चेंजेस ला रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन में एक कला का रूप ले लिया। जो पिछली शताब्दी थी इसी का जो समय था उसमें पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकास करने के लिए स्कूलों पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल कर दिया। तो पत्र के इतनी इम्पोर्टेंस की अहमियत देते हुए क्या किया कि हमारे जो सिलेबस है, हमारे जो पाठ्यक्रम है, उसमें पत्र लेखन को भी एक सब्जेक्ट बना दिया गया। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में प्रयास चल रहे हैं और विश्व डाक संघ ने अपने ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया। विश्व डाक संघ ने जो है 1972 में इसी सिलसिले में इसको पत्र को बढ़ावा देने के लिए सिलसिला शुरू किया कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रतियोगिता रखी जाती थी पत्र लेखन की। यह सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहरादून दुनिया में आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। कि हमारे शहरों में तो काफी लेटेस्ट टेक्निक वाले जो है साधन आ गए, मोबाइल आ गया, वायरलेस है, सब है, लेकिन गाँव और देहात में आज भी है सारी दुनिया की चिट्ठियों पर ही निर्भर है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल की चिट्ठियों को तेजी को रोका पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज जो फैक्स है, ईमेल है, मोबाइल है, इन्होंने पत्र लिखने की जो गति को रोक दिया, कम कर दिया है, लेकिन जो बिजनेस
से रिलीज जो पत्र है उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह से पत्र का कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में, ये सारी दस्तावेज जो विश्व डाक संघ है इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है, क्या प्रतियोगिता शुरू कर रहा है, इसके बारे में हमने आज ये जानकारी प्राप्त की जो इसके भाग एक में। इस भाग एक में जो भी कठिन शब्द आए हैं वो मैंने लिख दिए हैं, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। पत्रों, उपयोगिता, आधुनिकता, संतोष, सिलसिला, विवाद, घटनाओं, संदेह, अहमियत, संचार, डाक व्यवस्था, संस्कृति, पाठ्यक्रम, प्रतियोगिताएं, व्यापारी, ये इस भाग एक में आए हुए कुछ कठिन शब्द है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो आज का ये भाग एक यहीं पे समाप्त होता है।